हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। अगर आप स्नातक हैं, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। एप्लीकेशन के लिए 2000 से ज्यादा पोस्ट हैं, जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट हैं, वो सभी ऑफिसर्स रैंक है। इसलिए सैलरी 65,000 70,000 इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी, मंथली सैलरी होने वाली है। सरकारी नौकरी होगी, प्योरली गवर्नमेंट जॉब होगी और साथ ही साथ स्थायी यानी परमानेंट जॉब रहेंगे। बाकी डिटेल्स आगे कवर करते हैं कि एडवर्टीजमेंट कहाँ से रिलीज हुई है, एप्लीकेशन फी, और शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो वेबसाइट विजिट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया, मैं शॉर्ट में आपके लिए कवर कर देती हूँ। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की 863 पोस्ट है। ब्रांच ऑफिसर, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर तो सभी ऑफिसर रैंक ही है। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए 335 पोस्ट है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए 182 पोस्ट है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसीज। ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर के लिए 195 वैकेंसीज है। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के लिए 252 वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसी भी विषय से आपने स्नातक डिग्री ली हुई है। अदर स्टेट कैंडिडेट, देखें यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में ऐसा कहीं नहीं लिखा रहेगा कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मुझे लग रहा है कि एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर डोमिसाइल नहीं मांगा जा रहा जनरल कैटेगरी में तो अप्लाई करके देखें। आप देख लेते हैं बाकी डिटेल। जब इतनी बात हो गई तो आप जरूर कहेंगे कि आपने बताया नहीं कहां से एडवर्टीजमेंट आई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड से ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इसमें विज्ञापन संख्या नोट डाउन करें, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आप जब वेबसाइट पर जाते हैं तो कई सारे एडवर्टीजमेंट आपको नजर आते हैं। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2023। तो जैसे सारी चीजें जो हिंदी में लिखी हुई हैं, एप्लीकेशन फी ज्यादा नहीं है, 100 रुपीज एप्लीकेशन फी है। और जो झारखंड राज्य के ST SC कैंडिडेट है उनके लिए 50 रुपीज एप्लीकेशन फी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट कई बार मैंने देखा, पढ़ा, समझने की कोशिश की, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर तो नहीं लिखा है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आपसे आवासीय या डोमिसाइल नहीं मांगा जा रहा है तो अप्लाई करें अगर आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट वाइज जो बाइफर्केशन है पोस्ट की डिटेल्स, वो दी हुई है पेज नंबर 3 पे आपको, इंग्लिश में और हिंदी में। हिंदी में थंबनेल पे लिख के दिया है मैंने, इंग्लिश में भी लिख के दिया। आपने अगर मिस कर दिया तो वीडियो को बैक कर लें। सभी पोस्ट इंग्लिश में और टोटल मैंने बता दिया है। बाइफर्केशन कैटेगरी वाइज दी हुई है पेज नंबर 3 पर, आप चेक कर सकते हैं। सभी पदाधिकारी यानी ऑफिसर्स पोस्ट है। सैलरी की अगर बात करेंगे और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि इतने परसेंटेज होने चाहिए। परसेंटेज का इशू नहीं है, स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी विषय से। अब आप बीटेक भी हैं तो भी वो भी ग्रेजुएशन के कैटेगरी में आता है। बीएमएस है, बीए है, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, कोई भी ग्रेजुएट। 44,900 कुछ जो है काफी अच्छी सैलरी है। जैसे ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 44,900 की बेसिक पे, मतलब सैलरी आराम से 65,000 होगी। बाकी जो कुछ है, कुछ के लिए कम है, 19,900 है, तो इनकी सैलरी कम बनेगी। किसी के लिए 35,400 है तो इसकी सैलरी थोड़ी और ज्यादा बनेगी। और अब आप बोलेंगे कि सभी के लिए ग्रेजुएट है लेकिन किसी की सैलरी ज्यादा, तो एग्जाम का जो लेवल होगा उसमें डिफरेंस रहेगा। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक होना अनिवार्य है। स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य, जिस डेट पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट रहेगी उस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया की अब हम बात कर लेते हैं। एज ऐसा दिया हुआ है कि अनारक्षित वर्ग के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। मिनिमम जो है सभी पोस्ट के लिए 21 ईयर्स मिनिमम, न्यूनतम अपर एज लिमिट 35 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो है कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन दी हुई है, तो वो आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 7 पर, पृष्ठ संख्या 7 पर। ये पीडीएफ 58 पेजेस की है, तो इतना इसमें जो सारी चीजें दी हुई है। एक शॉर्ट एडवर्टीजमेंट भी है, उसमें डेट दी हुई है। यह ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 जुलाई से शुरू होगी। 27 जुलाई से दिनांक ऑनलाइन अभ्यर्थी मध्यरात्रि तक संशोधन, ये संशोधन की डेट है, मतलब करेक्शन की डेट है। और एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आवेदन जो है दिनांक 20 जून से लेके 19 जुलाई तक कर सकते हैं। तो 20 जून से लेके 19 जुलाई तक, 28 जून से लेके 19 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं एक बार।
तो ये दो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो एक तो है शॉर्ट एडवर्टीजमेंट 1 पेज की, जिसमें कि करेक्शन डेट और एडिट करने की डेट और ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट दी हुई है, ये आपको देख लेना। और दूसरी जो है एक दी हुई है झारखंड ब्रोशर, मतलब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो मैंने आपको बताया अभी, जस्ट मैंने आपको बताया कि ब्रोशर जो है 58 पेजेस का, 58 पेजेस की इंफॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल है। तो ये दोनों लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन की कोशिश कर सकते हैं, बट एडवर्टीजमेंट पहले पढ़ लें, क्योंकि बिना पढ़े किसी भी यूट्यूबर या वेबसाइट के कहने पर एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए। आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट पहले ब्रोशर पढ़ें खुद और फिर एप्लीकेशन करें। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच।